हॉट एंड कोल्ड मशीन्स में फाइव्स में कैनेस्टर लगते हैं इसमें ना, तो उसमें सोलनॉइड वाल्व होते हैं, उन सबको चलाने के लिए एक्स्ट्रा एक एड ऑन पीसी भी लगाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों टेक्नो सॉल्यूशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम गोदरेज की हॉट एंड कोल्ड मशीन, जिसे करम्बा भी बोलते हैं, उस मशीन के बारे में बात करेंगे। और ये इसकी जो पीसीबी है, इस पीसीबी में ये किस तरह से काम करती है, इसके कनेक्शन कैसे होते हैं, उसकी पूरी डिटेल जानेंगे। दोस्तों ये जो मशीन है ना, आप देखिए इसका बैक साइड है, ये बैक साइड है दोस्तों। इसमें ना आपको दिखा रहा हूँ, ये ना इन्वेंसिस फॉर्म होता है जो पानी को सक करता है, और फिर है ना एक ये प्रेशर वाल्व हो रहा है, इस वाल्व से बॉयलर टैंक के अंदर वाटर जाता है। दोस्तों ये है ना पीसीबी है इसकी। सबसे पहले देखिए आप, ये एसएमपीएस है, ठीक है, स्विच मोड पावर सप्लाई, ये ड्राइवर पीसीबी है। और दोस्तों ये ना एक और एक्स्ट्रा इसमें छोटा सा पीसीबी लगता है, जिसे एड ऑन पीसीबी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों एड ऑन पीसीबी ना इसी मशीन के अंदर लगाया जाता है। चलिए आप इसकी पीसीबी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये ना हॉट एंड कोल्ड की पीसीबी है, ये दोस्तों ये ना ड्राइवर पीसीबी है, ठीक है। सेम ऐसे ही पीसीबी हमारा जो 4400 है गोदरेज की, फोर ऑप्शनल मशीन, उसमें भी ऐसे ही एक ड्राइवर पीसीबी लगता है। ऐसे ही कहाँ है, बिल्कुल ऐसे ये वाला नहीं लगता, और ऐसे ही एमसीबीसी लगता है, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं ना एक बार आपको ना जो 4400 है उसका ड्राइवर पीसीबी दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये ना ड्राइवर पीसीबी इसका, ये 44 का है और ये हॉट एंड कोल्ड का है। तो इसके अंदर दोस्तों ना ये जो हमारा एड ऑन पीसीबी के लिए होता है अलग से एक्स्ट्रा, उसके लिए ये हमारा 4400 में यूज़ नहीं किया जाता, इसमें हमें इसका यूज़ किया जाता है। क्योंकि जो हॉट एंड कोल्ड मशीन्स में फाइव्स में कैनेस्टर लगते हैं इसमें ना, तो उसमें सोलनॉइड वाल्व होते हैं, उन सबको चलाने के लिए एक्स्ट्रा एक एड ऑन पीसीबी लगाया जाता है, ठीक है। इसी तरह देखिए ना, आपको मैं दिखाता हूँ मैं एमसीपीसीबी, ये हमारा हॉट एंड कोल्ड का है, और ये देखिए दोस्तों ये ना हमारा 4400 का है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों? सिर्फ डिफरेंस दोनों में दोस्तों सिर्फ इस चीज़ का है, कनेक्टर, ये कनेक्टर इसमें नहीं दिया गया। और उसके बाद जो ये पिन देख रहे हैं आप डिस्प्ले के, 16 पिन का है, इसमें भी 16 पिन का है, और एफ आर सी 26 पिन की, इसमें भी 26 पिन की लगती है। जो इसके अंदर देखेंगे की पैड में ए बी बटन बैक साइड में है, और इसमें आगे की तरफ है, ठीक है दोस्तों। की पैड्स में आगे की तरफ है और इसमें बैक साइड में है, तो दोनों में डिफरेंस ये है। लेकिन हम आप जैसे हमने ड्राइवर 44 का लगा लिया और एमसीबीसी कोड का लगा लिया, तो उसको ये बिल्कुल मशीन नहीं चलेगी, आपकी सारी लाइटें जल जाएगी, मशीन काम नहीं करेगी। तो जो जिस मॉडल के लिए मशीन बनाए ये आपको उसी में लगाना है। चलिए अब ना इसके कुछ कनेक्शन के बारे में बता देता हूँ मैं, फिर इसके कनेक्शन कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। ये ड्राइवर पीसीबी के बारे में बात करते हैं, चलिए मैं थोड़ा उसको जूम कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसमें ना ये पावर के लिए है, इसमें 24 वोल्ट और 5 वोल्ट यहाँ पे इनपुट दी जाती है, ठीक है। ये लेवल सेंसर के लिए होते हैं, जैसे कि गोदरेज हर मशीन में होते हैं। और इसके बाद दोस्तों ये ना हीटर के लिए है, हीटर रिले के लिए इसमें जाता है। और ये देखिए आप, यहाँ पे ना एनटीसी सेंसर का कनेक्शन दिए जाते हैं, जो सेंसर होते हैं कनेक्शन दिए जाते हैं, यहाँ से फिर रिले की सप्लाई जाती है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये देखिए, ये बीपर मोटर, गियर मोटर, उन सब कनेक्शन है। यहाँ पे सारे बीपर मोटर कनेक्शन, और इधर सब गियर मोटर के कनेक्शन है। इसी तरह यहाँ पे सोलनॉइड के कनेक्शन है, और इधर भी सोलनॉइड कनेक्शन और फैन के कनेक्शन है, ठीक है। ये डब्ल्यू पी सी है। अब आ जाए एम सी पी सी के बारे में। दोस्तों जो एम सी पी सी सेम उसका ऐसे ही है, यहाँ पे हमारे की पैड लगता है, ठीक है। यहाँ की पैड लगता है, यहाँ पे ए बी बटन, अब ये देख रहे हैं ए बी बटन, ए बी बटन जो प्रोनिंग मोड के लिए जाने के लिए करते हैं। 16 पिन का हमारा एल सी डी डिस्प्ले लगता है, और यहाँ पे 26 पिन की हमारी एफ आर सी केबल जो सिग्नल देने के लिए काम आती है वो लगती है, ठीक है दोस्तों। और बाकी ना दोस्तों जैसे देख रहे हैं आप, इस पी सी बी मैशन में होता है कि पी पी 66 की है, इसको पी पी 66 पी सी बी बोलते हैं, ठीक है, हॉट एंड कोल्ड की है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैंने ना आपको मशीन्स के बारे में, हॉट एंड कोल्ड मशीन किस तरह से काम करती है और कैसे इसके फंक्शन है, पीसीबी कौन सी लगानी चाहिए, एड ऑन पीसीबी क्या आती है, इन सब के बारे में बताया। दोस्तों आप, मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहता हूँ। कॉफ़ी मशीन से रिलेटेड मेरी जितनी भी वीडियो है, मैं कोशिश करता हूँ कि आप कुछ ना कुछ सीखें। मेरा वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों जो मेरा चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों 200 सब्सक्राइब होने वाले हैं, तो प्लीज़ 200 सब्सक्राइब को भी पूरा कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।